subscribe to my channel, and also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video. शेयर बाजार से रिलेटेड, इससे पहले मैं कोई ना सेमिनार अटेंड किया ना मैंने कोई क्लास अटेंड किया, और शौक यही था कि मैं शुरू करूं तो कभी जैसे लोग और लोग करते हैं अपने आप ही करना शुरू कर देते हैं, फिर लॉस 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 लॉस। तो मैं ये हमेशा से था कि शुरू तो करूं, बट शुरू करते करते बहुत इनिशियल स्टेज पर कहीं ना कहीं मैं ट्रेनिंग लूँ। जैसा कि मैंने सर को ही बोला था कि मुझे कुछ भी नहीं आता, सर ने कहा ठीक है तू चला, तेरे को कुछ नहीं आता है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब तेरा दिमाग भरा होगा तो कुछ आएगा नहीं उसमें, तो दिमाग खाली होगा तभी आएगा, तो तू चला आया सीधे। तो मैं आ गया हूँ, तो अच्छा है कि बिगनिंग में मुझे बहुत ही अच्छे लेसन मिले हैं सर से, और उम्मीद है कि मैं इस पर वर्क करूँगा, जो जो चीज़ सर ने बताया है तो इसका रिजल्ट जरूर आएगा। कॉन्फिडेंस देके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो बताया सर ने उसका रिजल्ट जरूर आएगा। सबसे पहले भाई का बहुत बड़ा आभारी हूँ, थैंक करता हूँ भाई को, और हाथ मिला के नहीं गले मिल के, वो जितना बड़ा भाई का स्टॉप लॉस तो स्मॉल होते हैं, जैसे बिग टारगेट होते हैं, कई बड़ा उनका दिल है। दो दिन से मेरी बातें हो रही थी भाई से, और भाई ने मुझे पर्सनली, पंकज भाई ने और मेरे भाई ने फ़ोन करके मुझे बुलाया पर्सनल नॉलेज देने के लिए, गधे को बेवकूफ को कुछ भी कर लो, मार्केट में गवाया आज तक कमाया कुछ भी नहीं है, और आज जो मैंने सीखा है भाई से, त्रिशूल सीखा है मैंने, स्टडीज सीखी उल्टा पुल्टा सीखे हैं, मदर बेबी इनसाइड सीखी है, उनसे मैं कमाऊंगा और भाई को प्रूफ करके दिखाऊंगा भाई, और भाई के साथ जीवन भर बना दूंगा सर। थैंक यू क्या बात। और मैंने कल मॉर्निंग में ही डिसाइड किया कि मैं चला जाता हूँ, सर का मैसेज आया और मैं आ गया, एक ब्लफ ले रहा था मैं कि पता नहीं मुझे फायदा होगा या ब्लफ खेल रहे ले। सीरियसली तो बस मुझे अभी 5-7 दिन ही हो जाए आपको फॉलो करते हुए, तो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया भी था। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी के चक्कर में आया था मैं, COP, उसके ऊपर मैं अभी रिसेंटली काम करना स्टार्ट किया था, और वो अगर आप ना सिखाते तो मैं डिसअपॉइंट होता, बट वो आपने मुझे बहुत अच्छे से सिखा दिया, उसके साथ मुझे फिबोनाची का एक्स्ट्रा बोनस मिल गया जिसमें मल्टी कन्फर्मेशन हो जाएगी और त्रिशूल वगैरह बाकी सब लगा के तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है, सिर्फ काम करना है। कितने देर मेहनत करने वाला जाके? मेहनत तो कल से स्टार्ट है, कल से करूँगी बिल्कुल सर। वो जो आप करते थे वो जो मैं देखे जा रहा हूँ जो आपने दिया है करो, बिलीव है मतलब बिल्कुल 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 100% बिलीव सर, 100%। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा मुझे पहले भी आता था, बट ये है कि मैं ये कहूँगा कि हाँ वर्थ स्टैंडिंग है, और अगर कोई फ्रेशर है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा वर्थ स्टैंडिंग है। इसमें सम इम्प्रूवमेंट की अगर मैं बात करूँ कि जो थोड़ा बहुत पहले जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये है कि अगर स्ट्रेटजी, देखो मार्केट में मेरे हिसाब से सारी स्ट्रेट चलती है, परसेंटेज अलग हो सकता है, बट ये है कि अब जैसे कुछ जैसे कि अब 5 मिनट्स की है या ये स्ट्रेटजी है, हर आदमी की एग्जीक्यूशन स्टाइल अलग होती है। सो इफ अगर नंबर ऑफ स्ट्रेटजी थोड़ी ज़्यादा होंगी तो सो दैट ही कैन एग्जीक्यूट एंड ट्राई कि वो कौन सा अच्छा और दूसरा नहीं होगा, तो मतलब अगर मल्टीपल होंगे तो ही कैन चूज। सर मैंने ओवरऑल कितनी स्ट्रेटजीज दी है? अराउंड 8-10 कंप्लीट ब्लॉग में मोर देन 10 गाइस, आप लोग एग्री? 10 से ऊपर ऐसा तो नहीं सर, मेरे लिए जबरदस्ती बोल रहे हैं 10 दिया, 10 में से कौन सी एक पावरफुल है? अगर मैं बात करूं कि अग्रेसिव ट्रेडर है तो फर्स्ट 5 मिनट वाली है, फर्स्ट 5 मिनट। अगर नहीं आपको क्या पसंद है, आप किस तरह का, आपको मैं बात करूं तो अगर आदमी को ये आप कह सकते हो कि वेट करनी है ट्रेड के लिए, तो उसके लिए तो उसकी स्टाइल कौन सी है उस पर, मेरी अगर मेरी बात करोगे तो मैं एग्रेसिव भी हूँ और मीनवाइज जैसे वोलेटाइल मार्केट हो जाता है तो सेफ भी हूँ, बट अपने को एग्जिट डेट पर चाहता है कि भाई नहीं ये छोड़ दूँ मैं अगर 1000 पॉइंट मूव कर गया ऐसे, सो फर्स्ट 5 मिनट भी बेटर है और गैप डाउन वाली भी बेटर है 50% उस पर आने वाले पे। एक जो है आप उसमें भाई कमेंट वही है कि अगर जैसे लाइक अगर थोड़ा बहुत ये भी था जब आया था कि क्रूड समथिंग रिलेटेड, क्योंकि इस ये स्ट्रेटजी क्रूड पे एग्जैक्टली वर्क करेगी, थोड़ा मेरा अपना डिफरमेंट है व्यू क्योंकि वो 24 आवर्स की मार्केट है। सो ये इसका लॉजिक, इसकी जो मान लो अगर बात करूँ कि साइकोलॉजी की बात करूँ तो समथिंग डिफरेंट, बिकॉज 24 आवर्स रनिंग क्रूड मार्केट है तो वहाँ पर डिफरेंट होगा, क्योंकि आप इंडियन मार्केट के हिसाब से नहीं सोच रहे होगे। अच्छा पॉइंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताता हूँ ये जो स्ट्रेटेजी है ना सर, मैं इंडियन मार्केट में बाद में लाता हूँ टू बी फ्रेंडली स्पीकिंग, क्योंकि जो सर ने पॉइंट बोला ना 24/7 वाली स्ट्रेटेजी को रूरल चलते हैं है ना, बट इंडियन मार्केट ना पूरा गेम है साइकोलॉजी का, अचानक से वर्स्ट न्यूज आ गई अगले दिन गैप डाउन,
है ना, मतलब इमोशन से भरा हुआ इंडियन मार्केट है और उसी हिसाब से चलता है। लेकिन मैं जो अपनी स्ट्रेटेजी सबसे पहले मैं बाहर के मार्केट में लगाता हूँ, कॉमेक्स करेंसी फॉरेक्स में इसमें लगाता हूँ, वहां पे अगर पावरफुल है तब जाके इंडियन मार्केट में टेस्ट करता हूँ कि हाँ कौन सा अच्छा बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। तो बिलीव मी सर, जो मैंने आपको दिया है क्रूड ऑयल में, आई विल ट्राई, यस यस, नो ओवरऑल इट इज वर्थ चेकिंग एंड फॉर फर्स्ट टाइम कमर है या सेकंड टाइम अटेंड कर रहा है, कोई नॉट अटेंड करी है तो उसके लिए भी मेरे लिए वर्थ चेकिंग थी, बट उसके लिए तो बहुत ज्यादा ही वर्थ चेकिंग होगा। थैंक यू सो मच, परफेक्ट, बट सर बिलीव मी बहुत पावरफुल है, आई विल करके देखो आप फिर रिजल्ट देंगे, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मैं आपसे कल शेयर कर चुका हूँ मैं आपके पास कैसे आया, राइट, सो आई डोंट बिलीव पीपल सो इजली, वेरी वेरी ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव पीपल सो इजली, सो आई वॉज गोइंग टू माई वीडियोज, फर्स्ट वीडियो आई सॉ ही इज टॉकिंग अबाउट, ही जनरली टेक्स लॉट ऑफ टाइम व्हाइल स्पीकिंग, सो आई थॉट यार ही इज लाइक अनदर यूट्यूबर हु इज जस्ट प्रमोटिंग हिमसेल्फ। एनीवेज सेकेंड टाइम व्हेन आई सॉ हिज वीडियो, वन थिंग दैट रियली रियली स्ट्रक मी एंड आई कैन वेरी वेरी मच कोरिलेट विद व्हाट आई डू इन माई प्रोफेशनल करियर, यू कैन रीड बुक्स, you can go ahead and understand, attend leadership sessions, it will give you a good idea in terms of knowledge. When it comes to ground realities, things are very very different. I manage a team of like 200 people across Gurgaon and Hyderabad, I work in Bank of America, so I always tell my people, use your common sense, use your logic, use the ground realities, what is happening there, and then go ahead and manage those people. इन्होंने वही बात stock market में कही, he told me that money making, knowledge is one thing, but when in ground reality, things are very much different. Second video, that was the time I said, this is one person who really, really correlates with me in terms of my mind process. I will, no matter what, I will move and attend this. And that's why I am here. Thank you so much. And it was an excellent session, excellent session. Main aaj tak kabhi loss jyada nahi khaya. Main लॉस मुझे हारना पसंद नहीं है, सॉरी मतलब मैं ऐसा हूँ थोड़ा कि आई डोंट लाइक टू लूज मच, सो मैंने लॉस कभी नहीं खाया लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पाया। एक टाइम ऐसा भी आया फरवरी में जब आपने दिल्ली का अनाउंस नहीं किया तब तक, मैं सोचा कि इससे ज़्यादा तो मैं पोकर में पैसे कमा लेता हूँ, आई प्ले पोकर ऑनलाइन एंड आई एम वेरी हार्ड कोर प्लेयर देयर, मैं इससे ऐसे तो पोकर में कमा लेता हूँ, लेकिन फिर जब बाद में ध्यान आया पोकर में स्टॉप लॉस आपका बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा होता है, बहुत कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है, इट इज एक्चुअली अबाउट ब्लफिंग पीपल, सो देन आई चेंज माय कोर्स एंड आई सेड आई विल बी हियर एंड आई अटेंडेड इट, आई थिंक एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट, देयर आर फ्यू कॉन्सेप्ट व्हिच यू टोल्ड अस लाइक शार्प वी, राइट, आई वाज फॉलोइंग दैट कैटेगरी बट आई वाज नेवर श्योर फॉलोइंग दैट कि अगर स्लोप वी है देन इट्स मोर पावरफुल देन नॉट, सो बड़ा सिंपल सा साइकोलॉजी रखी है मैंने इनकी, त्रिशूल, गैप अप गैप डाउन, पावर प्ले, पावर प्ले वन, पावर प्ले टू, इन सब स्ट्रैटेजी से इंट्राडे पे काम करूंगा, चेंज ऑफ पोलैरिटी से मिड टर्म में काम करूंगा, और जो पंकज जी ने जो बताया है लॉन्ग टर्म में जिससे पैसा कमाऊंगा वो उसको उस स्ट्रैटेजी में करूंगा सर। अपना 80% मेरा एक और मंत्र बताते जा रहा हूँ जो लास्ट में मेरे भाई, 80% अपने पोर्टफोलियो के अमाउंट आप इन्वेस्टिंग जो आपका पंकज जी ने बताया ना yes, उस पे 80% लगाना, रिमेनिंग 20% का खेलो ना जो खेल रहे हो, क्योंकि 28 आपका का पैसा आप समझ गए तो सर वो जो 80% 10 साल में बनने वाला है ना वो आप 5 साल में बना के छोड़ दोगे, वो भी 20,000 के इन्वेस्टमेंट। सो सर ये बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की, बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइस, नो मैटर हाउ मच यू कैन अर्न, वेल्थ क्रिएशन तभी होगा व्हेन यू गिव योर मनी द टाइम टू गो अहेड एंड अर्न यू मोर मनी, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बाय इन्वेस्टिंग इन दैट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी व्हिच इज लाइक 21 EMI, राइट, 21 EMI एंड RSI 14 एंड इट्स लाइक ओके ओके टू ठीक है, थैंक यू थैंक यू, इट वाज रियली नाइस मीटिंग, इट सीम्स लाइक आई एम टॉकिंग टू अ सेलिब्रिटी बिकॉज़ यू आर अ सेलिब्रिटी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एसएम जरूर लगाओ, एसएम को अपना दोस्त बनाओ ताकि, और टारगेट आप बढ़ा लो छोटा मत। तो आप लोग जो व्यूअर्स देख रहे हैं हमें उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, यहाँ पे दो दिन कुछ वाकई में मिलता है या फिर हवाबाजी? मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि सीखना तो पड़ेगा, आप चाहे कितने एक्सपीरियंस होल्डर हो लेकिन सर से सीखोगे तो आपको जल्दी पता लगेगा, कुछ चार्ट पैटर्न का पता लगेगा कि भाई ये दिख रहा है तो इससे क्या हो सकता है, और उसी से आपका काम होगा, अदरवाइज लॉस में आओ। सर मेरे पास से कौन सी एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको समझ में आ गया और वो बहुत पावरफुल है आपके लिए?
मेरे को जो समझ में आई सर मैं वो बताऊँ। हाँ बिल्कुल, जो आपको लगा कि यार ये मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ इसमें तो मैं दम लगा के पैसा लगाऊंगा। स्ट्रेटेजी तो सर ने काफी दी है, लेकिन सर की एक ही बात है कि एक को पकड़ लो, एक को पकड़ोगे तो गर्दन से पकड़ लो उसको, तभी आप पैसा बना पाओगे। जगह जगह दिमाग ना। थैंक यू सर। सर रेटिंग 10 स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ आगे मुझे ये पता चला है कि एक को मुझे ऐसे जरूर लगाना है जो मैं अभी तक बिल्कुल नहीं लगाती थी, और अब से शायद मुझे उतना लॉस नहीं होगा जितना मैंने अभी तक किया है। थोड़ा बहुत तो होगा सर, लेकिन अब ये पता चल चुका है कि ऐसे से मैं उसको बहुत मिनिमाइज कर सकती हूँ। टारगेट लगाने सर, ये टारगेट नहीं लगाना, टारगेट मैं अभी नहीं लगाती। फैंटास्टिक। तो ओवरऑल क्या रेटिंग है? जो ट्रेनिंग लिया है इससे वर्थ है सर, वर्थ इसलिए सर जो बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारे को आते हैं, लेकिन ये जो फियर है वो जो माइकल मार्केट का जो फियर है वो जो साइकोलॉजी से निकाल सकते हैं आप, वो बहुत ही काबिल तरीके से है। हाँ सर, तो कोलकाता लैंग्वेज सर, हम तो पहले ही बोले थे आप आइए कोलकाता आइए सर, हम लोग अरेंज करवाते हैं कोलकाता में। वो भी बहुत असाधारण একটা সুযোগ আপনারা আছেন কলকাতার কেউ যদি থাকেন, অসাধারণ একটা সুযোগ আছে কলকাতাতে সেমিনার করান স্যারকে দিয়ে, দারুণ উপভোগ হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ না है कि उससे कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, उससे इतना प्रॉफिट होगा कि कुछ पूछो ही मत। ऐसा रहेगा छोटा और टारगेट तो लगाना ही नहीं है बिल्कुल। कहाँ से आए हैं सर? यूपी मैनपुरी से आए हैं। क्या लेके जा रहे हैं? यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 5% था नॉलेज, यहाँ पे 90% लेके जा रहे हैं। भाई आप किसान भाई है ना? हाँ हाँ किसान है, पिताजी किसान है हमारे। तो किसान भाई लोगों के लिए क्या बोलोगे? वो भी सीख रहे हैं। किसान भाई लोगों के लिए ये बोलेंगे कि सर के पास सीखो, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, 10,000 रुपया लगाओ आराम से, उसे हर महीने 10,000 तो निकालना ही है कम से कम। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा एक्सपीरियंस सर ये रहा है यहाँ पर आके, मैं जब से मैंने 2.5 लाख का घाटा खाया है मार्केट, मुझे इतना डर बैठ गया था इस मार्केट में दोबारा खत्म मेरे को। अब यहाँ भी जो 2 दिन के लिए मैं सेमिनार के लिए आया हूँ, वो भी मेरी वाइफ ने धक्का दे दे के यहाँ मुझे बुलवाया है। अब यहाँ की इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है कि दोबारा मार्केट में एंटर करना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में फुल सपोर्ट है। एनालिसिस वगैरह सब चीज़ें ठीक है सर, लेकिन जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है वो कहीं बिल्डअप नहीं हो सकता, ना यूट्यूब पे बिल्डअप हो सकता है ना कहीं पर। जो बिल्डअप हुआ वो यहाँ मिला मुझे कॉन्फिडेंस, विद SL आपका दोस्त है, सब चीज़ों को पकड़ के चलना है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। एनालिसिस स्ट्रेटजीज वगैरह सब चीज़ें वो साइड में रखी है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी फॉलो करना है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा लेके जा रहा हूँ। यहाँ से नंबर्स की बात की जाए 10 मैं से 9 नंबर देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, लव यू मिस्टर। थैंक यू। लाइनें लगा लगा के तंग आ गया था मैं, तब पता लगे कि कहाँ पे लाइन लगानी है। क्या जो सर ने COP बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उस पर मेरे को बहुत पसंद आया। और सर जो जिस सच्चाई के साथ पंकज जी जिस ईमानदारी का सिखाते हैं, ये लोग बहुत आगे जाने वाले हैं और ये हमें भी सपोर्ट करने वाले हैं, हम लोग भी नहीं बोलना चाहूँगा। और सबसे कहता हूँ कि सीखना पड़ेगा, सीख के ही यहाँ पर आना पड़ेगा, सीख के यहाँ आना, यहाँ पर आने सीखने के लिए। हाँ आपके पास ओके ठीक है, तो क्या लेके जा रहे हो? बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ सर। आपको अपनी गलती समझ में आई कि आप क्या कर देते हो? यहाँ पे कुछ है, यहाँ पर आके ही हमारी जो गलती थी वो यहाँ पर आके ही मुझे मालूम हुआ सर। मालूम चला रूप नहीं करोगे, मैं गुरु सर समझ के जाओगे, टीचर सब कुछ दे देगा, गुरु बनोगे फर्स्ट। थैंक यू। क्या सौ की एक बात है, आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ भाई। ये मैंने हैरी सर का अभी मैंने देखना शुरू किया था वीडियो, उसमें सबसे बढ़िया डायलॉग ये था, आ जाओ भाई आ जाइए सब लोग आ जाओ, उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। यहाँ पे जो सर ने और पंकज सर का भी मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगा सर को भी, कि काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी दिया है उन्होंने, जो सिखाया है हमें, शायद हम पहले नहीं जानते थे। जस्ट लाइक थिंक, डोंट गो एज ए बेड, बेड चाल मत चलो, थिंक लाइक ए ऑपरेटर,
It is a best strategy. जब हम लोग सोचते थे कि यहाँ पे हम लोग बाय करें, वहाँ पे सर ने हमें सिखाया कि वहाँ पे आप सेल के लिए बात करिए. ये स्ट्रेटजी मेरे को सबसे अच्छा लगा. दूसरा उसमें वहाँ पे हाउ यू कैन सी एंड हाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट वेयर आई कैन टेक द ट्रेड मींस एलिफेंट एलिफेंट आई हैव सीन हियर एलिफेंट कैंडल आई हैव सीन हियर ओनली मे बी आई हैव सीन बट आई हैव नॉट नोटिस दैट. एंड बाकी त्रिशूल तो है ही, प्रेग्नेंट लेडी है, देन आपका सीओपी आल्सो है वेरी गुड. थैंक मीन्स वेन सबसे बढ़िया जो ये है कि जहाँ पे हम लोग बाय करने की सोचते थे वहाँ पे सेल के लिए हम लोग स्ट्रेटजी लेके जा रहे हैं, और जहाँ पे हम लोग सेल के लिए सोचते थे वहाँ पे हम बाय की स्ट्रेटजी लेंगे. ठीक है, मुझे वेट करना पड़ेगा, मेरे को एक दिन वेट करना पड़ेगा, दो दिन वेट करना पड़ेगा. पहले हम लोग क्या थे, अच्छा ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ले लो नीचे आ रहा है, अच्छा सेल करो सेल करो सेल करो. ठीक है, कभी 20 पॉइंट मिल गया, कभी 10 पॉइंट चला गया, वो होता था. बट वो दैट इज नॉट द बिग स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर, सर से स्ट्रेटजी लेके जा रहे हैं. वी कैन वेट फॉर दैट एंड थिंक. एलिफेंट क्यों बनाया, अब बताओ भाई एलिफेंट क्यों बनाया, ये मेरे को सोचना है. एलिफेंट क्यों बनाया, टॉप पे एलिफेंट क्यों बन रहा है, टॉप पे कौन लोग बाय कर रहा है, हमें वो सोचना है कि टॉप पे कौन लोग बाय कर रहा है, हमें फंसा रहा है क्या कर रहा है. वो हम लोग पहले नहीं सोचते थे, पहले हम ये सोचते थे कि ये ऊपर जा रहा है, अच्छा ये बड़ा कैंडल है तो इससे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट बड़ा आएगा. मतलब फर्स्ट डे में अगर टॉप आया तो सेकंड डे में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा, मे भी आता है कई बार, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म. मीन्स आपका जो आप उसमें बड़ा कैप्चर नहीं कर सकते. जो मैंने एक और सीखा है पंकज सर से कि डोंट बुक द प्रॉफिट. हम लोग क्या करते हैं, अरे 10 पॉइंट मिल रहा है ले लो यार मेरे को. मैं तो हमेशा ठीक है ज़्यादा दिन से काम नहीं किया बट मैं इतने काम करता हूँ. मेरी स्ट्रेटजी जस्ट लाइक एक मिनट, मेरी स्ट्रेटजी हमेशा ये रहती है कि एक मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट लगेगा, कि जैसे बैंक में रोबर चोर घुसता है अंदर, चोर अंदर जाता है तो वो क्या करता है, जो जो पैसा दिख रहा है उसको सबको लेके बाहर निकल लेता है. वो ये प्लान नहीं करता कि पूरा बैंक को लूट के लेके जाओ, पूरा खाली करके जाओ, जो मिल गया सामने लेके निकल लो. मैं पहले उसी स्ट्रेटजी पे काम करता था कि भाई जो मिल रहा है उसको लेके निकल लो ताकि वो भी ना चला जाए. बट अभी मैं इसमें यहाँ पे ये सोचना है कि भाई चलिए जो सर ने स्ट्रेटजी दिया है वो बहुत अच्छा है. ये तो रहा जो यहाँ पे हमने सीखा है उसकी बात है. दूसरा मैं पर्सनली सर के बात बारे में और पंकज सर के बारे में बोलना चाहता हूँ. एक आदमी का एक क्या बोलते हैं उसे, अगर बोलेंगे इंसानियत के नाते, ये दोनों में एक पर्सनैलिटी होती है एक आदमी की. वो पर्सनैलिटी इनका थोड़ा सा मतलब एकदम इंसानियत टाइप में है. उनसे हम जानते भी नहीं थे, कभी भी कुछ भी नहीं बात करते थे, बट बंदे ने फ़ोन उठा के हेलो हाय करके बात कर लिया. एटलीस्ट कई लोग होते हैं बात ही करना नहीं चाहते हैं, और तो उनको ईगो इतना रहता है कि भाई वो लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं, इतने बड़े बड़े वो कर रहे हैं. बट इन लोगों का मैंने दोनों को यहाँ पे ये ऑब्जर्व भी किया, शायद आपने भी किया होगा, कि दे आर ए वेरी फंटास्टिक पर्सन ऑल्सो, पर्सनलिटी और पर्सनल वाइज सारे दोनों लोग अच्छे. मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ कि मुझे वो सारी स्ट्रेटेजीज आती हैं जो गैरी सर को आती हैं, और शायद हो सकता है ज़्यादा आती है. वेरी गुड, राइट. लेकिन जब मैं प्लेटफॉर्म पे बैठता हूँ सब जीरो है. और आज तक 2.5 साल में लगभग 20 लाख रुपए दे चुका हूँ आप लोगों को. हो सकता है आप लोगों ने की हूँ मेरे और हो सकता है उसमें से शायद 5 साल पंकज जी ने लिए 5-7 लाख रुपए. तो सच में, अच्छा सच में मैं एक्चुअली बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI कैप में करता हूँ. मुझे करते हुए 2 साल से ऊपर हो गए, मुझे आज तक नहीं पता उसमें स्टॉप लॉस लगता कैसे. और यही एक सबसे, हाँ ये अलग बात है कि मैंने शेर खान भी सीखा है. शेर खान में मैंने स्टॉप लॉस लगाने के बावजूद उसमें 3 चीज इकट्ठी लगती हैं. आप एंट्री भी पॉइंट भी लगता है, स्टॉप लॉस भी लगता है, टारगेट भी लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसमें शायद 1.5-2 लाख रुपये दे चुका हूँ. क्यों, या तो वो स्टॉप लॉस ले जाता है, या फिर जो है मेरी जल्दबाजी होती है, मैं उसके टर्मिनल के सामने बैठा होता हूँ, देखता हूँ जल्द ये 2% नहीं दे रहा, 1.5% दे रहा. ये बहुत बड़े फेल्योर्स हैं.
पंकज जी को मैंने इसलिए आगे किया है कि इन्होंने कहा कि ऐसे स्टॉक ढूंढो जिसकी चीज में आपको लगाना ही नहीं है, उसमें टारगेट लेना ही नहीं है। ये बहुत बड़ा मुझे वो मिला। दो तीन चीजें और इन्होंने भी जो और बताई, जैसे खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी वाला है, अच्छा, और जो जैसे ये है अपना त्रिशूल वाला, ये सब मुझे आते हैं। लेकिन कहानी ये है कि जब आप टर्मिनल के सामने बैठते हो ना, अच्छा मुझे जो है ना टर्मिनल चलाना ही सिर्फ शेर खान का आता, और कोई आता ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जो है उस पर ट्रेडिंग व्यू पे देख लूँ, लेकिन मेरे हाथ नहीं बैठा, क्योंकि मैं पिछले दो साल से उसी पे कर रहा हूँ। उस पर लाइने वाइने लगाना बड़ा, मतलब उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग है। तो वो क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट लव इज योर लास्ट लव। तो जो मैंने उसमें सीखा, मैं उससे बाहर नहीं आ पा रहा, और शायद यही वजह है कि मेरे इसमें मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ था। राइट पॉइंट है। और कोई मुझे अगर ट्रेडिंग व्यू का अगर कोई लाइने से बनाना सिखा दे या कुछ ऐसा कर दे, मेरी थोड़ी हेल्प कर दे, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा, मेरे और लॉस बच जाए। अगर कोई आप में से वॉलंटियर हो जाए तो शायद मैं उसका थैंकफुल रहूँगा। नहीं करूँगा सर, थैंक यू। थैंक यू। सेक्टर 90 आइए सर। ठीक है। सो मुझे अच्छा लगा। मेरा वैसे सुबह एक बार सुबह 7:30 बजे तक प्रोग्राम था, जाऊँ कि ना जाऊँ पता नहीं। कल मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि शायद इसमें न्यू कमर्स भी हैं, और आज वो मैंने शायद एक बार बोला भी था, तो बात करूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब मैंने हरी को अगर प्रॉमिस किया है तो मैं आऊँगा। थैंक यू। तो बेमन से आया था सच पूछो, जबकि मैं दूर से भी आया हूँ, और भी मेरे से दूर से बहुत लोग आए, क्योंकि मुझे वो सब आता था जो हैरी सर ने कल भी बताया, आज भी बताया, बस वो मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ। सो इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा एक पॉइंट और जो आज मैंने ही सुबह सोचा और आज आपने बोल दिया, कि एक टर्मिनल के आगे जो लोग बहुत एग्रेसिव हैं, वो टर्मिनल के आगे एक पर्ची चिपका के रखें कि ये मुझे करना और ये मुझे नहीं करना, दो चीज़ें जरूर चिपका, ये मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि जब आप उसमें घुलते हो, एक चीज और भी है सर, मेरे ख्याल से मैं टर्मिनल पे डेली 7 घंटे बैठता हूँ, कम से रेगुलर, चाहे वो ऑफ मार्केट हो या ऑन मार्केट। ये तो बता ही रहा हूँ, और जितना ज्यादा बैठ, मैंने आपका एक्सपीरियंस यूट्यूब पे ही देखा था, उसी टाइम में मुझे समझ में आ गया। मैं एक्चुअली वेकेशन पे घर गया हुआ था पटना, और आपका होली के बाद था, और होली के बाद टिकट नहीं थी, मैंने होली के पहले टिकट बुक कराया, उस टाइम में खाली रहता होली के एक दिन पहले, तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना ईगर था आपके लिए। ठीक है। और सबसे बढ़िया लगा सर वो जो क्वांटिटी वाला आपका फॉर्मूला है ना, कि आप मतलब लॉस कितना ले रहे हो, आप डिसाइड कर लो अपने सेट पे, और उससे क्वांटिटी निकल जाएगी, ये सबसे बेस्ट लगा सर। मैं मतलब गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जितने भी ट्रेडर हैं ना, सब यहीं पे फंसते हैं, और कहीं नहीं फंसते हैं, सबका सब सही चल रहा है जी। लेकिन फंसते सब वहीं पर है, क्योंकि वो ग्रेड हो जाते हैं ज़्यादा। गाइस बहुत चीज़ लास्ट में बता के चले गए सर, मनी मैनेजमेंट पोजिशनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना पावरफुल आपके पास सेटअप है, और आप उसमें 90% एक्यूरेसी लेवल है। अगर ये चीज़ नहीं लगा हो पैसा कभी नहीं बन सकता, 30% की एक्यूरेसी लेवल है, और ये मनी मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा लो पैसा बन जाए, ये याद रहे। मैं सबको यही बोलूँगा कि वो उस चीज़ पे कंसिडर कर लिए, मार्केट में आप टिके, फ्री में मैसेज दे दो सर, ये दे दो फ्री में लोगों को, मार्केट में आप टिके रहोगे अगर आपने क्वांटिटी पे अपना कमांड कर लिया। क्वांटिटी मीन्स हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट, उस पर अगर आपने कमांड कर लिया, अब मार्केट में टिके रहोगे, आपको कोई नहीं हटा सकता कितना भी वर्ष जी। आप हम तो सारे व्यक्ति हैं। थैंक यू सो मच अमित जी, वेलकम टू किंग रिसर्च फैमिली, प्लीज बताएं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा किंग रिसर्च टीम को, और जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो मुझे मिल चुका है, जो कि साइकोलॉजी थी। बस मैं साइकोलॉजी सीखने के लिए आया था, जो कि सर ने कल दे दिया पूरी अच्छी तरह से बस। और जो दूसरी चीज़ थी वो मनी मैनेजमेंट थी, रिस्क मैनेजमेंट, तो जो सर ने बताया था कल बस। और जो स्ट्रेटजी है वो जो सर ने बताया था, वो नाम सुन रहा हूँ सर, त्रिशूल, जो मैं कल ही समझ गया था, और बस मैं उसी फोकस कर रहा हूँ फिलहाल।
और सब तो मैं लिख के रखा हूँ काम आने पे मैं वो सब रिवीजन कर कल त्रिशूल पकड़ ले और लगा दो। थैंक यू सर। मैंने थैंक यू बता बोले हां लॉस होता है मुझे जाता हूं क्यों हुआ यूट्यूब खंगाल समझ ना आता देख सकता हूं थोड़ा सा बढ़ता हूं फिर क्या है उसको एनर्जेटिक कितना चलता है वो सब चलता है। अब जब से आपका ये वीडियो देखा लेवल दिए इस पर चैटन ने शुरू किया फिर वही है ना अपने आप को मास्टर शुरू किया जोड़ा जा रही बहुत उसमें करता रहा पता चला नहीं छिड़ो नहीं होगा अब कुछ चीज बुरी है टिक जाओ उसको तो क्या ऐसी चीज लेके जा रहा है मेरे पास से जो आपको 12 साल से नहीं करती थी यूट्यूबर के पास देखिए फर्स्ट टाइम अटेंड किया 12 साल देखने के बाद कितने सारे लोग प्रेग्नेंट लेडी ऑपरेटर है कि नहीं है कोई नहीं बताया मिला नहीं बताया यहाँ मिला हाँ मिला वही ना चलते जा रहा यही न्यूज होती है और सबके कान में ये फीड होता है कि भाई ले लो बढ़ गया यार 10 बढ़ गया 15 20 अरे जा तू नहीं करता मैं लूंगा तू भी जा क्यों अब बताएगा ना अब बताऊंगा सबको कि क्यों ठुकता है और मैं बताऊंगा कि ऊपर कैसे ठुकते हैं और 70 और 30 कैलकुलेशन जो मैंने बताया सर सबसे बढ़िया मैं बताऊँ सबसे इम्पैक्ट जो आता है आपकी हर एक स्ट्रैटेजी पे ये जो आपका मनी मैनेजमेंट है ना ये बाप है इन सबसे हर स्ट्रैटेजी का बाप ये सबसे नंबर वन पे यही स्ट्रैटेजी है मेरी क्योंकि स्ट्रैटेजी सर बहुत सारी है ट्राई करो लॉस खाओ एक बार 1000 का एक बार 2000 का कर लो सर 500 का खाते रहो ना कितने बार खा लो एक बार मैंने खा ली मैंने एक हफ्ते में 300 रुपये और 4500 रुपये अरे वाह फैंटास्टिक दिस इज पावरफुल गाइस रियल एक्सपीरियंस है हमने एक कोर्स किया था उसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ और जिस दिन हमने सर को फ़ोन किया उस दिन 25,000 का लॉस हुआ और सर से हमारी एक ही बात थी सर कि हम लोगों के एसएल बड़े हो रहे हैं बोले यहाँ जो है एसएल छोटा होता है प्रॉफिट बड़ा होता है तो हमने कहा सर यही सीखना है और एसआरएम स्टडी से ये सीख लिया है कि एसएल बहुत छोटा है और प्रॉफिट राइट करना है और सर का जो है सुपर ट्रेंड प्रॉफिट जबरदस्त आएगा 3:15 तक काट लेंगे थैंक यू सो मच सर थैंक यू मैं 100 वीडियो पर डे चलता था एवरेज वो जो उसका आईक्यू सर्च होता है गूगल का उसमें इनका भी लेता है और उसमें नाम लिखा था उल्टा पुल्टा ये मैंने नाम अचानक से सामने आया और वो जो वीडियो देखा उसके बाद से मैं इनका एकदम फैन इनका कॉन्टैक्ट नंबर था उसमें फोन किया इन्होंने फोन उठाया बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उसमें रोया नहीं था उस समय एक्साइटमेंट की वजह से और इनको पता है मैंने यही बोला था मेरे फादर मदर के पास मुझे रहना है दे आर 71-72 कांट इवन वॉक इस वजह से मुझे ये चीज़ सीखनी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कमा रहा हूँ दूर रहिए कोई फायदा नहीं साथ में रहना दिस बिजनेस कैन डू दिस ये मुझे पता है पोटेंशियल बहुत है ये भी पता है बस ये था कि मेरे कुछ शार्पनेस नहीं थी 1.5 साल हो गया मुझे करते हुए 8 लाख का लॉस लेके बैठा अब भले ही मैं इनको डेली स्क्रीनशॉट ही भेजता हूँ 230 रुपये 90 रुपये 80 रुपये लेकिन मैं ट्रेंड प्रोफेशनल की तरह नहीं कर रहा था बस यूट्यूब पे जो वीडियो देखते थे उसी से कर रहा था कभी हिट होता था कभी लॉस होता था दोनों बेचता था इसी वजह से मैं आया हूँ कि जो मेरे गलतियाँ हैं वो यहाँ पे खत्म हो गई हैं इस समय जाके इसको बैक टेस्ट करना है कल से काम चालू करना है बात खत्म काम बोलता है प्रॉफिट बोलता है बस यही चाहिए आपको कहना चाहिए कि आपने इतना अच्छे तरीके से सेमिनार ऑर्गेनाइज किया बहुत बहुत मज़ा आया सीरियसली जब मैं आया था एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत कम है हर एक की लाइफ में करियर में फॉल आता है एंड वेरी फ्रेंकली अभी मेरा वो फॉल पीरियड ही चल रहा है तो हर जगह से आप लगा लो कि फेलियर नहीं कहूँगा बट सेटबैक्स मिल रहे हैं ठीक है तो मैं एक्सपेक्टेशन बहुत कम लेके आया था तो लेकिन जब आपके मैंने कल सेशन देखा थोड़ी वीडियो देखी तो एक्सपेक्टेशन राइट मेरे को था कि हाँ चलो यहाँ से मैं इतना सीख के जाऊँगा लेकिन आपने और पंकज सर ने जब अपना डिलीवर किया
तो आपने छप्पड़ फाड़ के दिया सर, मजा आ गया सर सीरियसली। वेल रिसर्च स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑपरेटर, हाउ दे थिंक, व्हाट इज देयर साइकोलॉजी बिहाइंड मेकिंग दोज मूव्स, वो कैसे हमें ट्रैप करते हैं, कैसे हमें गोड स्किप करते हैं, इट्स वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय यू। आपने एग्जांपल्स दिखा के चार्ट्स पे, वीडियोस आपने बहुत मतलब टिपिकल जो सीन्स हमारे लिए आपने सेलेक्ट किए, वंडरफुल सर, मतलब देखकर पूरी मूवी देखी है मूवी, दैट्स माय फर्स्ट प्लान, मैं पक्का देखूंगा, बहुत टाइम से मेरा रडार में थी, मैंने देखी नहीं मूवी, देखी थी लेकिन पॉइंट्स नोट नहीं किए थे। किस जगह पे हथौड़ा मार रहे हैं, राइट, आपको कैसे बचना है, मेन पॉइंट तो यही है सर, क्योंकि स्ट्रेटजीज बहुत है मार्केट में, आप भी कहते हो आपको 50, 60, 70, 100 जितनी स्ट्रेटजी बोलूंगा आप बना दो, लेकिन बात ये उसके पीछे माइंडसेट क्या है, जब तक वो नहीं आपको समझ आएगा मेरे ख्याल से कोई स्ट्रैटेजी आपकी फुल प्रूफ हो ही नहीं सकती, राइट। हम कहते हैं हमारी स्ट्रैटेजी 100% चलेगी, 90% चलेगी, लेकिन कब तक, पॉइंट ये है आप कहीं ना कहीं फेल करोगे क्योंकि आप ऑपरेटर का माइंडसेट नहीं समझ पा रहे। और मेरे को भी लग रहा है अब आपके सेशन अटेंड करने के बाद कि मेरा सबसे वीक पॉइंट ये था, मैं एज अ रिटेलर काम कर रहा था, मेरे को लग रहा था मैं सही कर रहा हूँ, बट आज मुझे समझ आया कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ थी, और एक बार ही ब्रेकआउट हुआ तो दोबारा नीचे आएगा। लेकिन तब वहां पर हम क्या करते थे, हम दोबारा वहां पे बाय कर रहे थे, सही कर रहे थे, गलत डायरेक्शन में ले रहे थे, लग रहा था कि ऑपरेटर नहीं यहाँ से नीचे लाएगा तो शायद नीचे जाएगा, मुझे लग रहा था ऐसे वर्क कर रहा था, बट बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली है, माइंडसेट अभी तक तो चेंज है, लेट मी सी मैं कैसे उसको अप्लाई करता हूँ। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि आप एक बिहेवियर के यूज टू हो जाते हो, आपकी हैबिट बन जाती है, पूरा ट्राई करूंगा बदलने का, नहीं बदला जाएगा आपको फिर परेशान करूंगा। बिल्कुल सर, और मैंने आपको पहले कहा ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से अब जाते हुए मैं ये कहूँगा कि 2 मेंटर्स लेके जा रहा हूँ, 40 फैमिली मेंबर्स लेके जा रहा हूँ, और एक बहुत बढ़िया दोस्त लेके जा रहा हूँ, उसको नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल, अब आज से मेरी सेकंड वाइफ मेरा स्टॉप लॉस ही है, उसको नहीं छोड़ूंगा। यू नॉट लेट योर फर्स्ट वाइफ नो दैट यू हैव अ सेकंड वाइफ, देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। यस यस, सो डू नॉट लेट वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, माय फर्स्ट वाइफ नोस कि मैं उसको कितना प्यार करता हूं, तो इस चीज की मुझे टेंशन नहीं है, वी आर वेरी क्लोज, वो कहे कि चलो अच्छा यार थोड़ा उसको परेशान करो, बात अच्छा है, स्टॉप लॉस भी निकाल सकते हैं। और अगर अभी पता ही है तो मैं सोच रहा हूं कि गर्लफ्रेंड का नाम स्टॉप लॉस ही रख देता हूं, वाइफ को बोलूंगा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बात के लिए सर, मैं बनारस हूँ और आपको मैं फॉलो में 2 महीने से कर रहा हूँ, एक्चुअली में मैं 2.5 साल से मैं सेल्फ कर रहा था, पहला सेमिनार है ये मेरा, तो सेमिनार कर रहा था तो मेरे को पता था कि इस फील्ड में मेरे को जो गुरु है तो शिष्य है तो गुरु है, गुरु तो ब्रीच होता है, अब तो हम लोग हैं, तो करते करते फिर मैं सेल्फ करने लगा, तो वहाँ पे मेरे को देखने को मिला कि सब कुछ मिल रहा है, फिर बाद में 1 साल बाद अनुभव हुआ कि मैं जो किया हूँ क्या वो सही है कि गलत है, अभी इसे बहुत ज़रूरी हो रहा है। फिर आपका मैंने देखा वीडियोस तो एकदम गूगल पे आया था, तो फिर टॉप फील्ड में आया तो आपके 5 सेकंड पे आपका नेम, तो फिर यहाँ पे आया देखा सब कुछ तो हैरान हो गया, फिर आपका देखा, और जब टेलीग्राम मैंने थोड़ा ज्वाइन किया, अब विश्वास नहीं करेंगे कि मैं 4-5 रुपये के लिए सोचता था, और जैसे कि जैसे मारुति टाटा स्टील्स आप लोगों को मैं ना ये एक स्टॉक की बात नहीं करूँगा, कम से कम 10-15 रोज के रोज, और 1 रुपये नहीं 60 रुपये कोई 70 रुपये गजब मारा जाए, लोग समझे या ना समझे, लेकिन हम ये चीज़ को आपने बोल दिया कि यहाँ पर बाइक करो तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पर अपना साइकोलॉजिकल भी वहाँ पर लगाना पड़ता है, अपने हिसाब से कि आपने बोल दिया रडार में है, फिर वहाँ से करना स्टार्ट किया, और बैक टेस्ट पर डे का एक एक दिन का मैं दिखाऊंगा। फिर करते करते मैं गया फिर दिल्ली से, मैं सर कानपुर में रहता हूँ और आपका सेमिनार यहाँ पे था, तो फिर मैं घर पे नहीं जा पाया होली पे, फिर कि नहीं मुझे यह ज़रूरी है, तो बात है कि पहले आप जाओ वहाँ पे ऐसे बात करो, और ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैं आया, फिर आपसे मुलाकात थी, फिर थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई, तो फिर मैं आपसे बताया सब कुछ सर, बहुत बड़ा दिल है सर, क्योंकि गुरु किस चीज़ से की भावनाओं को समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सर साइकोलॉजी से बहुत मैच करता है आपका मेरा, और मैं तो अभी ये सब तो बात नहीं करूँगा, आपका प्राइज एक्शन थ्योरी सर,
अगर इसको अगर हम लोग अच्छे से अगर मैं फॉलो करूँ, अगर 2 महीना कंटिन्यू एकदम ज़बरदस्त प्रैक्टिस करूँ, और प्रैक्टिस के बाद मतलब इंट्राडे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। और सर मैंने लॉस खाने का सबसे बड़ा रीज़न मुझे अभी मेरे को आज समझ में आया कि सारा गलती में सब कुछ सही चल रहा है सर। मत खा जा रहा था, हमेशा मत खाता था, स्टॉप लॉस सही से नहीं लगा पाता था, और रिस्क मैनेजमेंट सर मैंने सब कुछ किया, मैं इस पर ध्यान ही नहीं भैया बोले कि आप जाओ अब उन्हीं के शरण में जाओ और वहीं पे एकदम आप सेफ हो जाओ। उनका मतलब यही है, मैं आया हूँ आपको गुरु बनाने वहां से आया हूँ, लर्निंग तो एक साइड में छोड़ दिया, मैं गुरु बनाने आया हूँ और मैं आप रहेंगे और मैं जीवन में कोई से मिला नहीं करूँगा। क्योंकि सर मैं बहुत क्योंकि 2.5 साल से मैं सेमिनार करने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन जब आई समस्या क्या करूँ, गुरु कहाँ पे बने, कहाँ ढूंढे, मैच भी करना चाहिए साइकोलॉजिकल ना, ये सब सारी चीज़ें। अब ढूंढते ढूंढते आया मैं आपका, मैंने देखा पूरा, मैंने समझ गया कि मेरे सेटअप पे जो सेट बैठ जाएगा मैं समझ जाऊँगा कहाँ साइकोलॉजिकल वो मैं पहुँच रहा हूँ। और आपका तो प्रभु जी आप अभी कोई भी कॉल देंगे और मैं अपने सेटअप पे आऊँगा, मुझे नहीं पता कौन सा सेटअप मैं बनाया अपना खुद का, मेरा ऑब्जर्व है, लेकिन आपका जो सब पूरा मिलता है और एकदम बिल्कुल मिलता है। और बहुत बहुत सर इसके लिए आपने गुरु बनाया सर, आप जिससे कि बस कृपा कीजिएगा। और सर हमारे यहाँ क्या है कि हमारे बहुत ज़्यादा है और सभी लोगों को क्या है कि हम अपने क्षेत्र से सोन बदल से हैं, और सर स्टॉक मार्केट को एक अलग नज़रिया से देखा जाता है हमारे यहाँ, मतलब हम लोग साउथ में बहुत गंदा होता है भाई, साउथ में बोलते हैं जुआ है,